दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एनआईएस डीएलएड के कोर्स सीरीज में आज हम लोग इकाई 5 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने उत्तर प्रदेश और बिहार की शिक्षा परियोजना को पढ़ा है, आज हम लोग पढ़ेंगे लोक जम्बिस और शिक्षाकर्मी परियोजना भी आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो दोस्तों आगे का जो इससे पहले का कोर्स सीरीज है वो आपने नहीं देखा है तो हमारा जो पूरा कोर्स सीरीज का लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जो भी आपका छूटा हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर जो कि है लोक जम्बिस से। तो लोक जम्बिस में इससे पहले जो उत्तर प्रदेश और बिहार की शिक्षा परियोजना थी, जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा परियोजना थी उसे बिहार में लागू किया गया था। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें लोक जम्बिस, तो लोक जम्बिस जिसे सर्व शिक्षा का लोक अभियान भी कहा जाता है राजस्थान सरकार ने चलाई, तो स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी SIDA के सहयोग से 1992 में तो राजस्थान सरकार ने लोक जम्बिस नाम से सर्व शिक्षा का लोक अभियान इसे कहा जाता है ये चलाई गई और 1992 में इसे चलाई गई। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य औपचारिक तथा गैर औपचारिक तरीके से तथा कार्यात्मक साक्षरता के माध्यम से संतोषजनक स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के सर्वीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना में था उसी तरीके से यहाँ पर भी जो औपचारिक तथा गैर औपचारिक तरीके से जो साक्षरता एक संतोषजनक साक्षरता है और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वकीकरण हो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे किया गया। इसका इस पर मुख्य बल लड़कियों की शिक्षा पर विकास है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा के विकास के लिए यह मुख्यतः चलाया गया साक्षरता के पश्चात तथा सतत शिक्षा पर जिसके साथ लोक संगठन के लिए कार्यकलाप आते हैं। तो इस परियोजना का क्या उद्देश्य है एक नजर हम उस पर डाल लेते हैं। तो लोक संगठन तथा भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2000 तक सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, तो 1992 में यह चलाया गया और कहा गया कि 2000 तक सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, शिक्षा को समानता का औजार बनाकर महिलाओं का सशक्तिकरण करना कि महिलाओं को भी जो अब शिक्षित करने की बात हो रही है तो उससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिला और पुरुष दोनों को 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में 80% तक साक्षरता स्तर बढ़ाना, तो साक्षरता दर जो थी उसको बढ़ा के 80% तक करना ये यहाँ का इसका उद्देश्य रखा गया। अधिगम प्रक्रिया के में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण तथा तकनीकी संसाधन सहायक संरचना की प्रणाली का निर्माण करना, तो और ज़्यादा इसे गुणात्मक करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधन यहाँ पे जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उपलब्ध कराना ताकि पढ़ाई में गुणात्मक सुधार हो सके। जहाँ आंकड़े का संग्रह किया जाता है तथा उनका उपयोग उनकी उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो जो इससे प्रक्रिया से जुड़े हों उनमें पारदर्शिता सुनिश्चित करना, तो जहाँ पर कि ये आंकड़े होते हैं कि कितने लोग मतलब अभी विद्यालय जा रहे हैं, क्या उनका पूरा जो रिसर्च होता है वहाँ पे पारदर्शिता होना और ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पे मतलब बस एक पेपर अपडेट करना है तो वो कर दें उस तरीके से नहीं होना, और सही जो फिगर है वो फिगर यहाँ पे देना। तो इसके मुख्य घटक के रूप में अगर हम लोग देखें तो कार्यक्रमों को आरंभ करने तथा उनका प्रबंधन करने के लिए एक ऐसी स्वायत्त संस्था का निर्माण करना जिसमें सशक्त समिति हो और प्रगति का पुनरीक्षण हो, तो एक ऐसी संस्था हो जो कि जो प्रगति हो रही है उस पर पुनरीक्षण हो, उस पर यहाँ पे एनालिसिस हो कि किस तरीके से प्रगति हो रही है और इस पर इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ग्राम स्तर पर विद्यालय मानचित्रण तथा सूक्ष्म योजना लोक जम्बिस के मुख्य संचालनात्मक लक्षणों का निरूपण करते हैं। यह कार्य सामाजिक कार्यकर्ताओं, अध्यापकों तथा लोक जम्बिस के कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा मूल्यांकन के लिए किया जाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बच्चे की व्यक्तिगत रूप से प्रगति का पता चलता है। तो यहाँ पे गांव ग्राम स्तर पर जो है विलेज लेवल पर जो है विद्यालय का मानचित्रण इस तरीके से हो कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अध्यापक हैं या लोक जम्बिस जो अभी जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा शिक्षा का जो एनालिसिस है, शिक्षा का जो मूल्यांकन है वो किया जाता रहे और हर बच्चे पर जो है व्यक्तिगत रूप से प्रगति हो उसका पता यहाँ पे चले। तो अगर इसकी कार्यनीति देखें कि किस तरीके से कार्य करती है तो आधारिक स्तर पर एक कार्यविधि, क्रियाविधि तथा रचनात्मक रचनातंत्र विकसित किया जाए जैसे प्रेरक दल, भवन निर्माण समिति, ग्राम शिक्षा समिति क्लस्टर, खंड स्तरीय शैक्षिक प्रबंधन समिति जिसको कि ब्लॉक लेवल प्रबंधन बोलते हैं, ब्लॉक स्टडिंग समूह जो प्रयोग के लिए 5 जिलों में कार्यक्रम को सहायता देते हैं उसे मॉनिटर करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये 5 जिले में मॉनिटर करते हैं उसे सहायता देते हैं, तो इसका विकास किया जाए।
पाठ्य पुस्तकों का विकास तथा अध्यापकों की अभिप्रेरणा के लिए आंतरिक प्रशिक्षकों का विकास। तो जो यहाँ पे पठन पाठन का कार्यक्रम होता है उसके लिए जो बुक्स हैं उसमें और अध्यापकों में किस तरीके की जो उनके लिए जो प्रशिक्षण होते हैं उसके लिए स्थानीय प्रशिक्षकों का जो ट्रेनर होंगे स्थानीय ट्रेनरों का यहाँ पे विकास किया जाए। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें उसके लिए अध्यापिका मंच बनाया गया कि अध्यापिका मंच होगा और वो महिलाओं की उसमें क्या भागीदारी होगी उसकी मॉनिटरिंग वो करेंगे। सभी स्तर पर कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई गई ताकि उस क्षेत्र में पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। क्लस्टर तथा खंड स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं की समीक्षा योजना मीटिंगों का आयोजन प्रत्येक महीने किया जाता था ताकि पिछले कार्य का पुनरीक्षण हो, मतलब जो पहले किया गया है उस कार्य का यहाँ पे एनालिसिस हो और आगे क्या काम करना है उसको अंतिम रूप दिया जा सके। उसके बाद है प्रवेशोत्सव। प्रवेशोत्सव एक ऐसी घटना है जिसके माध्यम से बच्चों को विद्यालय में तथा समुदाय में सकारात्मक तथा सृजनात्मक वातावरण का निर्माण किया जा सके, तो बच्चे के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने, ये यहाँ पे इसका मुख्य भाग रखा गया। कार्यकलाप में अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि जनजातीय बच्चे के लिए हॉस्टल हो, महिला शिक्षण विहार हो, बालिका शिक्षण विहार हो, मुक्तांगन हो, मदरसा हो, सहज शिक्षा केंद्रों का संस्थानीकरण हो, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, तो ये सब चीजें यहाँ पे रखी गई। इसके साथ साथ अब आता है शिक्षा कर्मी परियोजना। शिक्षा या भी इस परियोजना में अभी हमने देखा कि यहाँ पे किन क्या क्या इसकी क्रियाविधि थी लोक जम्बिस की और उसके क्या क्या उद्देश्य थे, तो बेसिकली यहाँ पे महिला शिक्षा पर फोकस किया गया। और यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रख लेना है, जैसे कि यहाँ पे कार्यकलाप के अंतर्गत जो भी यहाँ पे है, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो या मदरसा हो, बालिका शिक्षा केंद्र हो, महिला शिक्षण विहार हो, तो ये सब चीजें यहाँ पे महिलाओं के लिए ज्यादातर यहाँ पे रखा गया। तो आगे शिक्षाकर्मी परियोजना में अगर देखें तो शिक्षाकर्मी परियोजना एक शैक्षिक कार्यक्रम है। इसे भी राजस्थान सरकार ने 1987 में से स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहायता से शिक्षा कर्मी बोर्ड के माध्यम से चलाया। तो इस परियोजना के अंतर्गत अध्यापकों की अनुपस्थिति पर ध्यान देना पड़ेगा जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की प्राप्ति से एक मुख्य रोड़ा था। तदनुसार इसने एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को एक एकल अध्यापक विद्यालय में स्थापन करने पर विचार किया जिसके साथ दो स्थानीय निवासी जिन्हें शिक्षा कर्मी कहा गया वो सहायतार्थ में लगाए गए। तो स्थानीय निवासी उनको नाम दिया गया शिक्षा कर्मी, वो इसका ध्यान रखेंगे कि विद्यालय में शिक्षक आते हैं या नहीं आते हैं, विद्यालय का कार्यकलाप कैसा चलता है। तो स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अध्यापकों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता को बहुत आवश्यक नहीं समझा गया, परंतु नियुक्ति के पश्चात उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण तथा शैक्षिक सहायता प्रदान की गई ताकि वे एक अध्यापक के रूप में प्रभावी कार्य कर सके। तो जो स्थानीय व्यक्ति थे जो शिक्षाकर्मी के रूप में यहाँ पे आए तो उनको अध्यापन का भी कार्य था, तो अध्यापकों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता को बहुत आवश्यक नहीं समझा गया। तो उस टाइम जो उनका नियुक्ति हो रहा था तो उस टाइम उनको बहुत आवश्यक ये नहीं समझा गया कि उनका ये एलिजिबिलिटी हो, ये क्राइटेरिया हो, लेकिन जब एक बार आप वो ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें जो है जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक प्रशिक्षण है वो उन्हें जरूर दिया जाए। तो इस परियोजना का उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा के सार्विकीकरण को एक संयुक्त कार्यक्रम समझा गया, ये पिछले वाले में भी था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के सभी इसके सभी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा की अभिगम्यता तथा अधिगम के न्यूनतम स्तरों के रूप में सार्वत्रिक उपलब्धि सम्मिलित हो। तो वही बात है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को जो प्राथमिक शिक्षा है वो न्यूनतम स्तरों पर बच्चों को उपलब्ध हो और मिनिमम जो भी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो चीज़ें बच्चों के लिए यहाँ पे उपलब्ध हो और उनके लिए लाभकारी हो। शिक्षा प्रणाली का अभिमुखीकरण जिससे जिस महिलाओं की समानता तथा उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य की पूर्ति हो सके, तो यहाँ पर भी महिलाओं की बातों पर जोर दिया गया है क्योंकि ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा ही था। प्रौढ़ों तथा निम्न सामाजिक वर्गों, निर्जातियों समुदायों तथा समाज के सभी वर्ग गरीब वर्गों के बच्चे को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त उपाय करना। तो जो लोग बुजुर्ग हैं या पिछड़े जाति से हैं या निम्न समाज वर्ग से हैं या जो गरीब लोग हैं, सब लोगों के लिए यहाँ पे शैक्षणिक अवसर प्रदान करना। कम पंजीयन की मुख्य समस्या तथा बच्चों के उच्च ड्रॉपआउट दर को काबू करना। तो लोग जो बच्चे स्कूल आते ही नहीं हैं या आने के बाद जो छोड़ देते हैं उसका यहाँ पे ध्यान रखना। इसकी अगर कार्यनीति देखें तो शिक्षाकर्मी परियोजना के पुनरीक्षण के लिए SIDA इसके द्वारा जो ये मॉनिटरिंग मिशन नियुक्त किया गया जो साल में 2 बार परियोजना की प्रगति पर समीक्षा करेगा। तो हर 6 महीने पर एक बार जो है वो समीक्षा करता था कि ये किस तरीके से मॉनिटरिंग
करेक्ट करके कि इसमें किस तरीके से चल रहा है और आगे कैसे सुधार किया जा सकता है। क्षेत्र अनुभवों और आपसी सहमति के निर्णयन पर आधारित प्रविधियां विकसित की गई। अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण तथा समुदाय की भागीदारी हुई और अभिगम्यता की दृष्टि से लिंग तथा सामाजिक संवेदनशीलता को समर्थन दिया गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई कि जो जैसे कि पुरुष और स्त्री में जो फर्क था या जो सामाजिक रूप से जो ऊपर नीचे लोगों को समझा जाता था, वो सब चीज़ों को यहाँ पे दूर करने का प्रयास किया गया। कार्यान्वयन में अगर देखें तो परियोजना निदेशक के साथ राजस्थान सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाएं आपस में मिलकर कार्य कर रही है, जो शिक्षा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण का डिजाइन करती है। जो जो शिक्षा कर्मी नियुक्त हुए तो उनको प्रशिक्षण करती है और कार्यक्रम आयोजित तथा संचालित करती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण का निरीक्षण भी करती है। इस परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु तथा ग्रामीण क्षेत्र के सुविधा वंचित वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए शैक्षिक प्रयासों को पंचायत समिति, शिक्षा कर्मी सहयोगी, विषय विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संस्था तथा ग्रामीण समुदाय का समर्थन अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा वंचित लोग हैं उनके लिए ये सब चीजें पंचायत समिति, शिक्षा कर्मी सहयोगी, विषय विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संस्थाएं और ग्रामीण समुदाय, इनका समर्थन यहाँ पे जरूरी था जिससे कि इस परियोजना को आगे और लाभ मिल सके। और यहाँ पे अगर इसका क्रियाकलाप में देखें तो डे केंद्र था। जब विद्यमान प्राथमिक विद्यालय शिक्षा कर्मियों द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें डे केंद्र कहा जाता है। तो जो भी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा केंद्र द्वारा, इसे डे केंद्र कहा गया। तो यहाँ पे ये इसके क्रियाकलाप में आया। और परिहार पाठशाला, जब बच्चे किसी कारणवश डे केंद्र पर पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो वो रात के समय पढ़ने आते हैं तो उन्हें परिहार पाठशाला कहा गया, तो उसका भी निर्माण यहाँ पे हुआ। महिला प्रकाशन केंद्र यहाँ पे महिलाओं के लिए यहाँ पे गठित किया गया। संगठित उपागम, एक सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि 14 वर्ष की आयु तक जनजातीय तथा रेगिस्तान ब्लॉक के 60% बच्चे शारीरिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं। तो शारीरिक रूप से जो फिजिकली बच्चों को प्रॉब्लम है वैसे बच्चों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया और ये परियोजनाएं चलाई गई। तो ये दोस्तों रहा हमारा इसके अंदर कि किस तरीके से जो है यहाँ पे शिक्षा कर्मी परियोजना हुई। और इससे पहले भी हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा यहाँ पे जो लोक जम्बिश था वो कैसा था। तो दोनों राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई। ये 1900 लोक जम्बिश 1992 में चलाई गई और उसके बाद अगर हम शिक्षा कर्मी परियोजना देखें तो 1987 में चलाई गई। तो यही हमारा अभी का टॉपिक था और आगे हम अगले टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित महाराष्ट्र में चलाए जाने वाले विभिन्न परियोजनाएं। तो इससे हम लोग आगे देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा दीजिए तो आगे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, दीजिए इजाजत। बाय बाय, जय हिंद।